अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री एंड लिटरेचर ऑफ फार्मेसी। इसके अंदर जो हम लोगों के कंटेंट्स हैं वो हैं सर्वे ऑफ द हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी थ्रू एंशिएंट ग्रीक एंड अरब पीरियड्स विद स्पेशल रेफरेंस टू कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट टू फार्मेसी एंड एलाइड साइंसेज एंड एन इंट्रोडक्शन टू वेरियस ऑफिशियल बुक्स। डिजीज़ की बात करें तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिजीज़ है वो उतना ही पुराना है जितना कि इंसान पुराना है, जिसके रिकॉर्ड्स जो हैं वो 350 मिलियन से 280 मिलियन ईयर्स बैक में जाके जो हैं वो देखे जा सकते हैं। और हमेशा से ये इंसान की ख्वाहिश रही है कि वो हेल्दी रहे, वो सिकनेस को क्योर कर सके। पुराने मैन या एंशियंट मैन की बात करें तो ही लर्न फ्रॉम द इंसेक्ट्स इंस्टिंक्ट्स एंड ही लर्न फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड बीस्ट, जिसमें सब जो फर्स्ट एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास कूल वाटर, लीफ, डर्ट और मड रहे हैं फॉर द फर्स्ट सूदिंग एप्लीकेशंस। और इंसान ने हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से सीखा है। हिट एंड ट्रायल मेथड का क्या मतलब है कि आपने कोई एक चीज़ ऑब्जर्व की है, आप उसको ट्राई करें, अगर वो चीज़ ठीक है तो उसको दोबारा ट्राई किया जा सकता है, अगर नहीं तो उस चीज़ से मना हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड एक ले मैन पर्सन में। फार्मेसी रूट्स की बात करें तो फार्मेसी की जो स्टडी है इट कैन बी ट्रैक बैक टू 700 ईयर्स। और जो पीसेंट सिविलाइजेशंस रही हैं जिसमें हमारे पास टाइगर्स और यूफ्रेटस वैली है, ये जो है यहाँ से हमारे पास जो है कुछ रिकॉर्ड्स हमें मिले थे एंशियंट फार्मेसी के या कुछ एंशियंट बुक्स के। इसी तरह अराउंड 2000 बिफोर क्राइस्ट कुछ डॉक्यूमेंट्स रिवील किए गए थे एसीरियो के। एसीरियो एक नियर ईस्ट एंशियंट वैली थी जो कि 612 से 609 कबले मसीह में कोलैप्स हो गई थी। जो फार्मेसी रूट्स एंड डेट पासिस थ्रू रिलीजन, मैजिक, इनकेंटेशन एंड नाउ इट हैज़ इवॉल्व द हाईली प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। टॉकिंग अबाउट द इराज एंड बिफोर प्री हिस्टोरिक फार्मेसी, तो पहले ज़माने में केव्स और मंदिरों वगैरह में शामान और शांतियर्स होते थे। वो कुछ लोग होते थे, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल होते थे जो कि लोगों के ऊपर मैजिक या कुछ हर्ब्स को अप्लाई करते थे और उनकी जो है डिजीज़ को ठीक करते थे। फार्मेसी इराज़ की बात करें तो 5 इराज़ हैं फार्मेसी के, जिसमें एंशियंट इरा इट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम टू 1600 आफ्टर डेथ, एम्पिरिक इरा स्टार्ट्स फ्रॉम 1600 टू 1940 आफ्टर डेथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन इरा स्टार्ट्स फ्रॉम 1940 टू 1970 आफ्टर डेथ, पेशेंट केयर एरा स्टार्ट्स फ्रॉम 1970 टू प्रेजेंट, एंड देन बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग एरा। स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट एरा डेट स्टार्ट्स फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ टाइम टू 1600 आफ्टर डेथ, ड्यूरिंग दिस एरा अर्ली मैन यूज मटीरियल इन हिज सराउंडिंग्स लाइक लीव्स, मर्ड एंड कूल वाटर टू स्टॉप ब्लीडिंग एंड हीलिंग वूंड्स। सिमिलरली ड्राई क्ले वॉज यूज टू स्प्लिंट ब्रोकन बोन्स एंड दे यूजली कॉपीड एनिमल बिहेवियर। पहले ज़माने में अब हम लोग ये भी सुनते हैं कि कहा जाता है कि पहले लोगों में बीमारी नहीं थी या पहले लोग बीमार नहीं होते थे, तो जो डिज़ीज़ एग्जिस्ट करती है शुरू से ही इसके साइंस हम लोगों को मिलते हैं उन स्केलेटन से जिनके डिफॉर्म जॉइंट्स थे, या डायनासोर्स के ट्यूमर्स के अंदर, या फिर उन बोन्स के अंदर जिनको ऑपरेट करके ठीक किया जाता था। इसकी डॉक्यूमेंटेशन हमें जो पहली मिली वो क्ले टैबलेट्स की मिली थी 2600 बिफोर क्राइस्ट हीलिंग प्रैक्टिसेस में, और अराउंड 1500 BC एब्रस पपायरस नेम्ड बाय जॉर्ज एब्रस, वो एक बादशाह था जिसने 1873 टू 1874 में ये पूरी जो है वो बुक खरीदी थी। सिमिलरली इन इजिप्शियन स्टार्टिंग फ्रॉम द इजिप्शियन टाइम, जब हमारे दरियाए नील और इंदस रिवर के पास लोगों ने काम शुरू किया, वहाँ पे लोगों ने बहुत से कॉन्सेप्ट्स को इवॉल्व किया और डिजीज़ और हीलिंग की प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया। उसके बाद बाबिलोनिया, ये किसान थे, काफ़ी पुराने किसान थे जिन्होंने मेडिकल टैबलेट्स को का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया 3000 बिफोर क्राइस्ट टू 2000 बिफोर क्राइस्ट। इनके पास एक डिटेल मेडिकल सिस्टम था डेट यूज्ड फार्माकोपिया। फार्माकोपिया अब की ऑफिशियल बुक्स हैं, और फार्माकोपिया पहले के हिसाब से बात करें तो फार्माकोपिया से मुराद वो कंटेंट्स हैं, वो बुक्स हैं, वो
डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती थी रिलेटेड टू मेडिसिन। उसमें 250 प्लांट्स, सल्फर, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक काओ और गोट मिल्क, हनी, वैक्स, लाइन फैट और कैस्टर ऑयल के साथ हीलिंग प्रैक्टिसेस स्टार्ट की जाती थी। उस ज़माने में दो किस्म की क्लासेस होती थी प्रैक्टिशनर्स की, एक को बोलते थे असू और एक को बोलते थे असीपू। जो असीपू हैं वो मैजिकल हीलर्स बोलते थे, वो यूज़ करते थे मैजिकल स्पेल्स, स्टोन, और असू जो थे वो एम्पीरिकल हीलर थे। वो दोनों जो हैं वो ये बेसिकली डिफरेंट मेडिसिन की डोजेज फॉर्म्स बना के, सपोजिटरी स्पेल्स और ऑइंटमेंट बना के लोगों का इलाज करते थे। उसके बाद पेपायरस एब्रस के डेज, इसको माना जाता है इजिप्शियन मेडिसिन डेज में 2900 बिफोर क्राइस्ट की बात करें तो जो पेपायरस एब्रस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, जिसके अंदर 800 प्रिस्क्रिप्शन थी, जिसमें ऑलमोस्ट 700 ड्रग्स के बारे में बताया जा गया था। उन बट ये सारी जितनी भी ड्रग्स थी वो यूजली बोटैनिकल ओरिजिन की थी, जिसमें अकेशिया, कैस्टर बीन, फेनल को मेंशन किया गया था विद अपरेंट रेफरेंस टू सच मिनरल्स लाइक आयरन ऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड सल्फर। देन वी गॉट ग्रीक सिविलाइजेशन, जिन्होंने साइंस को सोचना शुरू किया। उन्होंने साइंस को सिर्फ मिथोलॉजिकल थिंकिंग में ही नहीं रखा, बल्कि उन्होंने लॉजिकली थिंकिंग स्टार्ट की कि जो डिजीज़ है वो लॉजिकल है, डिजीज़ को इलाज करने के लिए किसी लॉजिकल चीज़ की ज़रूरत है। उसके बाद जब रोमन्स ने ग्रीक्स को कंकर किया तो उसके बाद जो एरा स्टार्ट हुआ उसको हम लोग ग्रीको रोमन एरा बोलते हैं। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मशहूर चीज़ें हैं वो पोएम्स ऑफ होमर हैं। ये ग्रेट पोइट था एंशियंट ग्रीक का, 8th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट में। इसने आर्ट ऑफ फार्मेसी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखी, जिसमें कुछ जो चीज़ें हमें पता चलती हैं वो ये कि बिटर रूट पाउडर जो है डेट वॉज यूज टू ट्रीट हील वूंड्स, सिमिलरली सल्फर वॉज यूज टू एज एन डिसइनफेक्ट। देन वी हैव पियोनी, ही वॉज आर ही इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्टर ऑफ गॉड्स। उसके बाद हरकुलिस के नाम पे कुछ ड्रग्स को, कुछ प्लांट्स का नाम दिया गया लाइक हेओसाइमस एल्बस और हरकोलीन, जिसको बोलते हैं हरकुलिस के नाम पे उसको नेम किया गया। उसके बाद हमारे पास गॉड ऑफ मेडिसिन एस्क्लीपियस आया, जिसने ट्रीट किया पेशेंट्स को विद हर्ब्स। उसके बाद कुछ और भी साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल हिपोक्रेटस, ही इज़ आल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो जो MBBS प्रोफेशनल्स हैं, या इवन वी जब हम लोग डिग्री लेने जाते हैं तो वी टेक हिपोक्रेटिक ऑथ, जिसके मुताबिक कि हम लोग वी विल ट्रीट पेशेंट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनैलिटी एंड रिलेटेड स्टफ। ही रोट सम सिंपल रेमिडीज एंड उसने जो हमारे पास चीज़ें थी उसमें बुक्स के नाम थे डी हिस्टोरिया प्लैंटिनम एंड डी कॉशियस प्लैंटिनम, डी मेटेरिया मेडिका ऑफ डायस्कोराइड्स। ये बुक्स के नाम थे। उसके बाद रोमन फार्मेसी टाइटल्स में हमारे पास वो किस किस्म के टाइटल्स यूज़ करते थे अपनी बुक्स के लिए, वो थी फार्माकोपिया, डेट इज़ द मेकर ऑफ रेमिडीज, सिमिलरली फार्मेको ट्रीटे, ड्रग ग्राइंडर, पिगमेंटारी, मेकर ऑफ कॉस्मेटिक्स, फार्मेकोपोले, सेलर ऑफ ड्रग्स एंड एरोमाथेरी, डीलर्स ऑफ स्पाइसेस। देन वी हैव गॉड ऑफ हीलिंग। गॉड ऑफ हीलिंग या एस्क्लीपियस की बात करें तो ही वॉज अ काइंड किंग ऑफ काइंड किंग डेट ग्रेजुअली सरपास्ड अपोलो एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द हीलिंग गॉड्स। उसके हाथ में एक टॉर्च होती है जिसके ऊपर एक टंग है एक सांप की। उस सांप का माना जाता है कि उसने बहुत सी मैजिकल थिंग्स की हैं। इसके साथ ही इसके हाथ में एक वॉन्ड है या उसकी बेटी खड़ी है हाइजिया, जिसको अब हम लोग बॉल ऑफ हाइजिया बोलते हैं। तो ही इन दी अर्लीस्ट रिकॉर्ड्स वी कैन फाइंड दैट सिमिलर मिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग एंड फार्माकोन, अ ग्रीक वर्ड मीन्स मैजिकल स्पेल्स और पॉइजन, वॉज रिवॉल्व इन हिज टाइमिंग्स। देन हिपोक्रेटस, ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन, ही अप्लाइड साइंटिफिक नॉलेज रादर देन अ मिक्सचर ऑफ मेडिसिन एंड स्पिरिचुअल एक्ट्स। द वर्ड फार्माकोन केम फ्रॉम अ प्योरिफाइंग रेमेडी एंड ही यूज 200 to 400 ड्रग्स एज अ मेथड ऑफ कैरिंग आउट वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस। देन डायोस्कोराइड्स,
या डियोस्कोरिडेस, इसको दोनों तरीके से पढ़ा जा सकता है। ही वॉज अ ग्रीक फिजिशियन एंड बॉटनिस्ट। इसने एक बुक लिखी थी दे मेटीरिया मेडिका, इसको आजकल की जबान में फार्माकोग्नोजी बोला जाता है, डेट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजन। ही एक्सप्लेन मैथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग क्रूड ड्रग्स फ्रॉम ओपियम एंड मैनी अदर बोटेनिकल ड्रग्स। ही ऑल्सो एक्सप्लेन द मैथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन, प्योरिफिकेशन एंड स्टोरेज ऑफ वेरियस बोटेनिकल ड्रग्स। देन वी हैव क्लॉडियस गैलन। ही वॉज अ ग्रीक फार्मासिस्ट एंड फिजिशियन। ही प्रोवाइडेड एंड ही प्रैक्टिस एंड टॉट बोथ मेडिसिन एंड फार्मेसी इन रोम। हिज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कंपाउंडिंग मेडिसन्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड फॉर 1500 ईयर्स। हिज बुक्स वर यूज फॉर मोर देन 1500 ईयर्स। ही एम टू क्रिएट अ परफेक्ट सिस्टम ऑफ फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी एंड ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस। ही रोट अबाउट 500 बुक्स ऑन मेडिसन, इंक्लूडिंग न्यूमरस ड्रग्स ऑफ नेचुरल ऑरिजिन, देयर फार्मूलाज एंड मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। आफ्टर हिज नेम वी हैव अ चैप्टर इन सेकेंड ईयर डोजेज फॉर्म साइंस, गलेनिकल प्रिपरेशन। दीज वर द प्रिपरेशन रिलेटेड टू द बोटेनिकल ड्रग्स विच इन विच वी यूज सेवरल प्रोसेस लाइक एक्सट्रैक्शन एंड अदर थिंग्स लाइक दैट। सो कोल ट्रीन कॉल गैलन्स क्रिएट एसेंशली सिमिलर टू नोन टूडे। इसके नाम जो कोल्ड क्रीम इसने बनाई थी, वो आज भी उसका फार्मूला जो है वो आजकल की क्रीम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। देन इस इरा के लास्ट में पर्शियन सिविलाइजेशन आई। पर्शिया डेट वॉज एट द क्रॉस रोड्स बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड वॉज अ क्रेडल ऑफ वेरी ओल्ड एंड ब्रिलियंट सिविलाइजेशन। देयर नॉलेज ऑफ प्लांट्स एंड फोटोथेरापी स्टिल रिफ्लेक्ट्स इन ग्रेको अरब थेरापूटिक्स एंड एंशियंट इरानियंस बुक्स थेरापूटिक्स अवेलेबल इन देयर होली बुक अवस्ता। It is based on the medicinal plants, surgery and magic. And Avesta's 9th century compilation is called as Dankard that contains a chapter on 4,333 diseases. The diseases that are supposed to be caused by evil spirits. And cure is about 70 categories of remedies and they all consist in all form, all they all come from the plants. The second era is Middle Ages. That starts from 1600 to 1940 after death. It consists of Latin era, Arabian influence, Saints Cosmas and Damien, Frederick II. In his region, pharmacy and medicine became separated. Paracelsus, Edward Jenner, Frederick, Sir Turner, Joseph, modern Europe, American pharmacy, and now medical societies and education of pharmacy. Starting from the Latin era, there were two kinds of books. Receptaria, it was most more modest formularies, and antidotaria, similar to dispensaries. They basically, there were some group of people जो के इसके अंदर इन बुक्स के अंदर ऐड करते थे, ओमिट करते थे और इनके लोकल वर्जियंस को रिवाइज करते थे। अरेबियन इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे पास जो सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड लोग आते हैं वो हमारे पास बगदाद के 729 में हमारे पास जो आते हैं लोग आते हैं उसके अंदर, उसमें हॉस्पिटल्स बनना शुरू हुए, फार्मेसी का जो है वो एक स्टार्ट हुआ प्रॉपर। वहाँ पे पढ़े लिखे लोग बगदाद में बहुत थे उस ज़माने में। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट जो हमारे पास था वहाँ पे, उसको उसका नाम था अल सल्तानी एंड ही वर्क एज अ सेपरेट फंक्शनरी। इसने जो है वो फार्मेसी को अलग से जो है वो प्रैक्टिस किया, डिफरेंट ड्रग फॉर्म्स को बनाया उसने, लाइक सीरप्स एंड कन्फेक्शनरीज एंड ज्यूलिप्स। और उसके बाद जो हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉपर 13th सेंचुरी में स्टार्ट होना शुरू हुए। देन वी हैव रेनेसांस एरा। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1350 टू 1650 आफ्टर डेथ एंड इन दिस एरा बेसिकली फार्मेसी बिकेम सेपरेटेड फ्रॉम मेडिसिन। And this era, the university education of pharmacy was now required for pharmacists, and more and new drugs were imported from the ancient civilizations. And similarly, new chemicals were introduced, and pharmacy achieved a professional status. Then Frederick II, he was in this era. Public pharmacies began to appear in about 17th century. In 1240 after death in southern Italy, pharmacy was separated from medicine. He presented the subject pharmacist with the first European edict, completely separating their responsibilities from those of medicines.
और इसने जो है वो हमारे पास प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट की फार्मेसी की। पैरासीलियस, इसका जो इसने अपने आप को पैरासीलियस के नाम से मशहूर किया था, इसका ओरिजिनल नेम हमारे पास बोजन बॉर्न बास्टस वॉन होहाइम था। ही इन्फ्लुएंस द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मेसी फ्रॉम अ प्रोफेशनल बेस्ड सिमिलैरिटी ऑन बोटेनिकल साइंसेज टू वन ऑफ द बेसिक केमिकल साइंसेस। इसने भी जो है वो बोटेनिकल साइंसेस और केमिकल साइंसेस को ट्रांसफॉर्म किया इन अ प्रॉपर सब्जेक्ट ऑफ फार्मेसी। उसके बाद एडवर्ड जेनर है जिसने वैक्सीनेशन स्टार्ट की। फ्रेडरिक सर्टनर, ही वॉज अ जर्मन फार्मासिस्ट हु आइसोलेटेड मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम प्लांट या पोपी प्लांट। उसके बाद जोसेफ पेलेथियर एंड जोसेफ केवेंटो, देवर फ्रेंच, दे आइसोलेटेड सेवरल एल्कलॉइड्स लाइक स्ट्रिकनीन एंड ब्रूसिन फ्रॉम नक्स वोमिका प्लांट एंड क्वीनीन एंड सिंकोनीन फ्रॉम सिंकोना प्लांट्स। सिमिलरली दे आइसोलेटेड कैफीन एंड कोडीन फ्रॉम द ओपियम। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है जो एरा वो मॉडर्न यूरोप का है, इन विच मेडिसन लाइक आर्ट बिफोर 1600 वॉज एसेंशियली इंटीग्रेटेड इन टू रिलीजियन। सिमिलरली थ्री फेजेज होते थे हमारे पास 17th सेंचुरी में मेडिकल प्रैक्टिस के, फिजिशियंस सर्जन्स एंड एपोथिकारीज जिसको हम लोग ड्रग सेलर्स बोलते हैं। फार्माकोपियाज वर डिवेलप्ड, फार्माकोपियाज वर यूज टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ। सिमिलरली रूट बाग्स हर्ब्स एंड फ्लावर्स वर यूज एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। In 1751, Benjamin Franklin started the first hospital. Similarly, the first hospital pharmacist in that hospital was Jonathan Roberts, and William Proctor was the father, is known as the father of American pharmacy. In that era, many new drugs and chemicals were identified, like nitrogen, atropine, quinine, caffeine, morphine, codeine, and testosterone, etc. Then, medical societies were formed in 19th century. American Pharmaceutical Association was made. University education regarding pharmacy was started in 1829, where first pharmacy college, New York College of Pharmacy, was established. New modern ways of making tablets, enteric-coated tablets, and gelatin capsules were also prepared. And by 1900, most pharmacies stocked the shelves with medicines. Then talking about the industrialization era that started from 1940 to 1970, सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर वन के बाद मेडिसन्स की मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई क्योंकि उस जमाने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी तरह साइंटिफिक रिसर्च को एक अरूज हासिल हुआ और रिसर्चर्स ने जो है वो न्यू ड्रग्स बनाना शुरू की, ओल्ड ड्रग्स को मॉडिफाई करना शुरू किया, उनके इंटरेक्शंस देखने शुरू किए, जिसको हम लोग पेशेंट एरा भी कहते हैं। फोर्थ में पेशेंट केयर एरा की बात करें तो 19th और 20th सेंचुरी के में बहुत सारे प्रॉब्लम्स अराइज हुए मेडिसन्स के, लाइक एलर्जिक रिएक्शंस एंड मल्टीपल ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग मिनरल इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन वगैरह। तो उस जमाने में इट इंक्रीजेज द थेरापूटिक डिजीज ऑफ पेशेंट केयर इन फार्मेसीज एज वेल एज इन हॉस्पिटल्स। देन वी हैव बायोटेक्नोलॉजी एरा इन 21st सेंचुरी। जीन थेरापी वॉज बींग कंडक्टेड एंड इन केस ऑफ सम डिजीजेज वी केम टू न्यू अबाउट सम जेनेटिक डिफेक्ट्स। द फार्मासिस्ट आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द जेनेटिक मेकअप ऑफ पीपल सो दैट दे मे प्रिवेंट और क्योर डिजीजेज। सिमिलरली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वॉज स्टार्टेड। दीज आर द फाइव एराज ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस। Talking about the importance of the profession, we have impact on individual patients, like their state of health and their better health of individuals. Similarly, pharmacy services result in improved health services, economic outcomes, reduction in adverse drug reactions, improved quality of life, and reduced morbidity and mortality. Similarly, pharmaceuticals Talking about the pharmaceuticals, we came to know about the formulation and manufacturing. Similarly, quality assurance and monitoring, licensing, registration, marketing, dispensing, distribution, supply, storage, education, research and development.
Now there is a concept of a seven star pharmacist, and this concept was developed in World Health by World Health Organization in 2000, according to which a pharmacist is a caregiver, decision maker, communicator, manager, lifelong learner, teacher, a leader, and a researcher. Now the important topic that usually comes in exam is the role of Muslim scientists. So among talking about the Muslim scientists, Arabs were the greatest doctors, the first chemists, the best pharmacists. They played a major role in history of therapeutics, and usually this all knowledge came from Tibbi Nabawi, Sallallahu Alaihi Wasallam. The formerly nomadic people who united into nations of Islam conquered huge areas of Middle East and Africa, and eventually expanding into Spain and Eastern Europe. इसके अंदर आप देखेंगे, और हम लोगों ने काफ़ी पहले ये पढ़ चुके हैं कि जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनके नाम बिगाड़े जा चुके हैं, उनको जो है वो कंसीडर कराया जाता है कि वो हमारे पास यूरोप के लोग हैं, लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं है। जितने भी मुस्लिम साइंटिस्ट हैं वो सबकी थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ वो अब्बासी खिलाफत से स्टार्ट हुआ ये फार्मेसी का काम, जिसमें फार्मेसी को एस्टेब्लिश किया गया इन 754 अंडर अब्बासिद कैलिफ। द क्लियर कट सेपरेशन ऑफ टू प्रोफेशन, फिजिशियन एंड फार्मेसी, वॉज डन इन 8800 आफ्टर डेथ। देन वी हैव यूहाना बिन मसावा, ही वॉज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू द अरेबिक फार्मेसी। ही रोट अ बुक ऑन इब्ने मसावा विच इंक्लूड 30 एरोमेटिक्स। एरोमेटिक्स ये भी आजकल एक बहुत स्टार्ट है, एरोमेटिक एरोमा थेरापी। देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैथड ऑफ डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन इज द एडिशन ऑफ अनवॉन्टेड सब्सटेंसेस इन फार्मास्यूटिकल्स एंड देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। ही रिकमेंडेड सेफ्रॉन या जाफरान, जिसको हम बोलते हैं, फॉर लिवर एंड स्टमक एलमेंट्स। देन अबू हसन अली बिन साल रबन अल तबारी, ही रॉट अ फेमस बुक पैराडाइज ऑफ विजडम। इट कंटेन्स डिस्कशंस ऑन द नेचर ऑफ मेडिसिन, नेचर ऑफ मैन, कॉस्मोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, डाइट एंड डिफरेंट डिजीजेज। देन अबू बकर मोहम्मद राजी, ही वॉज सपोर्टर ऑफ आर्ट ऑफ अलकेमी। ही स्टार्टेड मेकिंग मेडिसन, ही इन्फ्लुएंस द डिवेलपमेंट ऑफ फार्मेसी एंड मेडिकल थेरापी, एंड ही रोट टू बुक्स नेम एज अल असरार एंड सिरर अल असरार। अली इब्ने अल अब्बासी अल मजूसी, ही वॉज अ पर्शियन फिजिशियन एंड साइकोलॉजिस्ट, मोस्ट फेमस फॉर किताब अल मलाकी, विच मीन्स कंप्लीट बुक ऑफ मेडिकल आर्ट। इन दिस बुक ही कंक्लूडेड दैट जॉय एंड कंटेंप्ट कैन ब्रिंग अ बेटर लाइफ लिविंग स्टेटस टू मैनी हु वुड अदरवाइज बी सिक एंड मिजरेबल ड्यू टू अननेसेसरी सैडनेस, फियर, वरी एंड एनजाइटी। बेसिकली इसने बताया कि खुश रहो, क्योंकि उससे जो है वो काफ़ी सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और ये बात ठीक भी है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग, अगर आपको मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग यूजली पेनाडोल की एक गोली खा लेते हैं, जबकि पेनाडोल की जो ओरिजिनल डोज है एक 70 किलो के हेल्दी पर्सन में वो 2 डोजेज है, लेकिन हम लोग एक गोली से भी ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात होती है कि अगर हम लोग एक भी गोली खाएंगे तो हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो इसने बताया कि ये सारे दिमाग के खेल हैं, दिमाग के केमिकल्स के खेल हैं। तो अगर आप खुश रहते हैं तो आप बीमारी से बच जाते हैं। उसके बाद अबुल कासिम अल जहरावी का ज़माना आया। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर और डॉक्टर ऑफ सर्जरी। ही टोल्ड अस अबाउट एक्सट्रैक्शन और यूरिनरी ब्लेडर स्टोन्स, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन बाय सब्लिमेशन एंड डिस्टिलेशन। ही रोट अ फेमस बुक किताब अल तशरीफ डेट कंसिस्ट ऑफ 28 वॉल्यूम्स, सॉरी डेट कंसिस्ट ऑफ 30 वॉल्यूम्स, एंड 28 बुक कंसिस्ट ऑफ सिंपल मेडिसिन कंसिस्टिंग ऑफ वेजिटेबल्स, एनिमल्स और मिनरल ऑरिजिन। सबूर बिन साल, ही वॉज फर्स्ट सॉरी ही मेड फर्स्ट मेडिकल फॉर्मली दैट इज नेम्ड एज अल अक्राबदीन। इट कंसिस्ट ऑफ मेडिकल रेसिपीज कंपाउंडिंग दीज रेमिडीज, देयर फार्माकोलॉजिकल एक्शन, द डोजेजेस एंड द मीन्स ऑफ देयर एडमिनिस्ट्रेशन। देन इब्ने सीना, ही वॉज अ फार्मासिस्ट, पोइट, फिजिशियन, फिलोसफर एंड डिप्लोमैट। ही रॉट बुक किताब अल शिफा दैट इज द बुक ऑफ हीलिंग, एंड ही डिस्क्राइब 700 प्रिपरेशन, देयर प्रॉपर्टीज, मोड ऑफ एक्शन एंड देयर इंडिकेशन। अल बेरूनी, ही रॉट किताबुल द बुक ऑफ ड्रग्स और किताबुल सिदाला। ही आउटलाइन द रोल ऑफ फार्मेसी एंड द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ अ फार्मासिस्ट।
ही इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अरेबिक फार्मेसी. देन इबन अल वाफिद, ही वॉज अ फार्माकोलॉजिस्ट एंड फिजिशियन एंड ही रोड किताबुल अदविया अल मुफरादा. इट कंसिस्ट ऑफ 520 डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिसन फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड हर्ब्स. सलादीन दे एस्क्यूलो, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी अमंग अर्ली इटालियन वर्क्स. ही रोट अ बुक दैट इज नोन एज द फर्स्ट रियल ट्रेजर ऑन फार्मेसी इन मॉडर्न सेंस, विच बिकेम अ मॉडल फॉर ऑल लेटर टेक्स्ट बुक्स ऑफ फार्मेसी. देन वी हैव अब्दुल्ला इब्ने अहमद इब्ने अल बेतार, ही रोट सेवरल बुक्स ऑन मेडिसन्स एंड दैट कंसिस्ट ऑफ सिंपल रेमिडीज. हिज कलेक्शन इज सपोज टू बी क्लेम्ड और क्लेम्ड दैट इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 2000 प्लांट्स. देन जाबर बिन हयान, ही रिकमेंडेड दैट साइलियम म्यूसिलेज वे फॉर बिलरी ट्रबल्स, बैम्बू विनेगर एंड पोमेग्रेनेट फॉर ब्लड डिजीजेस एंड कैस्टर ऑयल एंड एसाफेटिडा फॉर पिट्यूटरी प्रॉब्लम्स. सिमिलरली शेख जलालुद्दीन अबू सुलेमान दाऊद, ही वॉज अ राइटर ऑफ तिब्बे नबवी एंड दैट वॉज लेटर ट्रांसलेटेड बाई डॉक्टर पैरन. अदर साइंटिस्ट इंक्लूड अबू मारवा इबन जोहर इबन अल नफीस, याकूब इबन इश्क अल किंदी, अली इबन साल, याहिया इबन जलजा और एक दो और हैं. इन सबकी जो डिटेल है, एक एक लाइन की डिटेल, वो मैंने स्लाइड्स में ऐड नहीं की, वो आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है. उसके बाद बात करें मॉडर्न एज और अर्ली रिसर्च की, तो अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन डिवेलप हुई 6 अक्टूबर 1852 में. इसकी ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि वी नीड टू सी द नीड फॉर द बेटरमेंट और इंटर कम्युनिकेशन अमंग फार्मासिस्ट टू इन्हेंस द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड अप्रेंटिसशिप एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ वेरियस इम्पॉर्टेड ड्रग्स. सिमिलरली उसी दौरान तमाम ऑल फार्मासिस्ट और ड्रगिस्ट को एक प्रॉपर रूट दिया गया हाउ टू प्रैक्टिस. उसके बाद फार्माकोपिया केम ऑफ एज. फार्माकोपिया एज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ नॉलेज प्रोडक्ट डिवेलप, सो देर वॉज नीड टू टेल सम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ ड्रग्स थ्रू आउट द वर्ल्ड. तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया 1820 में लॉन्च किया गया, जिसके अंदर जितने भी उस वक्त नॉन ड्रग्स थी उनको शामिल किया गया और कि हाउ टू मेक दैम, हाउ टू यूज़ दैम बेसिकली. उसके बाद एरा आया बायोलॉजिक्स का. 1894 में ये अनाउंस किया, डिफ्थेरिया एंटीटॉक्सिन अनाउंस हुई जिसने बहुत सारे बच्चों की जान बचाई. उसके बाद इसकी मैस प्रोडक्शन स्टार्ट हुई और जो बायोलॉजिक्स का एरा वे कंप्लीट स्टार्ट हुआ, वैक्सीन्स का एरा स्टार्ट हुआ, एंटीटॉक्सिन्स का एरा स्टार्ट हुआ, कीमोथेरापी स्टार्ट हुई बाय फ्रेंच फार्मासिस्ट हु वर्क 30 ईयर्स इन इंस्टीट्यूट ऑफ पास्टर इंस्टीट्यूट दैट वॉज इन पेरिस. हिज अर्ली वर्क वॉज विद बिस्मथ एंड आर्सेनिक कंपाउंड्स एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिफाइलिस. और उसी दौरान सल्फोनामाइड कंपाउंड भी दरियाफ्त हुए और एंटा हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज के ड्रग्स भी स्टार्ट हुए. एंटीबायोटिक, उसके बाद अगर बात करें फार्मास्यूटिकल रिसर्च की, तो मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च जो है वो स्टार्ट हुई फ्रॉम द केमिकल सिंथेसिस ऑफ एंटीपायरीन इन 1883. उसके बाद वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी मेडिसिंस की, तो रिसर्च और फार्मेसी जो है, फार्मेसी की जो रिसर्च है वो बहुत ज़्यादा एक उसने अरूज हासिल किया. और अगर आज की देखी जाए तो आज इन सारी ड्रग्स को लाइफ सेविंग ड्रग्स या लाइफ गिविंग ड्रग प्रोडक्ट्स भी कहा जाता है. एंटीबायोटिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यू नहीं है. इसका फर्स्ट टाइम एक्शन जो है वो पास्टर ने ऑब्जर्व किया था इन 1877, लेकिन फ्लेमिंग ने जब पेनिसिलिन डिस्कवर की 1929 में और उसके बाद फ्लोरे और चेन ने इसको स्टडी किया 1940 में, तो उसके बाद 1940 से 1960 के दौरान बहुत सारी जो क्लासिफिकेशंस हम लोग एंटीबायोटिक्स की आज पढ़ते हैं वो डेवलप हुई. सिमिलरली जितनी भी एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी थी, जैसे मैंने अभी बताया, 40s के इराब में 1940s से 1960s के दौरान स्टार्ट हुई.
आज की फार्मेसी और इसके आने वाले कल की बात की जाए तो फार्मेसी जिस तरह मेडिसिन में बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं, इसी तरह फार्मेसीज में बहुत सारी रेवोल्यूशंस हैं। लेकिन अगेन इट विल कंटिन्यू टू ग्रो क्योंकि नॉलेज कभी ख़त्म नहीं होता और इट स्टार्ट्स इट पासिस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम फादर टू सन एंड फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट एंड सो ऑन। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव इंट्रोडक्शन टू ऑफिशियल बुक्स। जो ऑफिशियल बुक्स हैं हमारे पास उनको हम लोग फार्माकोपिया बोलते हैं। द वर्ड फार्माकोपिया इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन एंड पोयो। इट इंडिकेट्स अ बुक दैट इज इशू बाय अ रिकॉग्नाइज बॉडी और अथॉरिटी दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ ड्रग्स एंड फार्मूलाज फॉर मेडिकल प्रिपरेशंस टुगेदर विद डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस एंड स्टैंडर्ड्स टू विच दे मस्ट कन्फॉर्म। स्टार्ट की बात की जाए तो दो किस्म के हमारे पास फार्माकोपियाज होते थे, एक हर्बल फार्माकोपियाज और फार्मूलरीज। जो हर्बल के अंदर हमारे पास जो पहले रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो मेटीरिया मेडिका के मिलते हैं, जो डायोस्कोरीड्स ने या दियोस्कोरीड्स ने इसको लिखा था। डेट कंटेन्स मोर देन 600 प्लांट्स। और उसके बाद जो फॉर्मुलरीज हैं उसके अंदर वो हम लोगों ने जैसे कंपेंडियम, डिस्पेंसेटोरियम और एंटीडोटोरियम की बात की, वो बुक्स थी हमारे पास। आजकल ये सारी जो हैं वो अपडेट हो चुकी हैं बेसिकली मोनोग्राफ्स और अपेंडिसेस में। मोनोग्राफ क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस है जो आपको पता होने चाहिए एज अ फार्मेसिस्ट। अ मोनोग्राफ इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ड्रग। इट इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स गिवन इन द फार्माकोपिया विच टेल्स अबाउट टेस्ट टू परफॉर्म फॉर अ स्पेसिफिक कंपाउंड और अ डोजेज फॉर्म और अ रॉ मटीरियल। उससे एक कंट्राडिक्ट थोड़ी सी बात करती है अपेंडिसेस। अपेंडिसिस कंटेन सप्लीमेंट्री मटीरियल डेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्ट इट सेल्फ बट इट मे बी अपरेटस अ कंस्ट्रक्शन अ जनरल प्रोसीजर एंड टेस्ट। मैं आपको इसकी जो है वो एक मोनोग्राफ और अपेंडिसिस दिखाता हूँ ज़रा। फॉर एग्जाम्पल ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया में मेफेनामिक एसिड का एक फार्माकोपिया जिसके अंदर देखें इसका स्ट्रक्चर दिया गया है, इसका फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसके अदर नेम्स, उसके अलावा इसका कंटेंट दिया गया है मेफेनामिक एसिड जो बॉटल में जो आपको मिलेगा उसका कंटेंट कितना होना चाहिए, उसके पैकेजिंग, स्टोरेज, उसकी आइडेंटिफिकेशन, लॉस ऑन ड्राइंग, क्रोमेटोग्राफिक मेथड और उसका ऐसे दिया गया कि आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर मेफेनामिक एसिड है या नहीं है। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल और फिनिश डोजेज फॉर्म के मोनोग्राफ हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे ये मेफेनामिक एसिड पाउडर का है और इसके बाद ये मेफेनामिक एसिड कैप्सूल्स के बारे में आ जाता है जिसके अंदर हमारे पास उसके कैप्सूल्स के बारे में सारी एसेज वगैरह हैं कि वो किस तरह जो है आपने उसको टेस्ट करना है। ये हो गया मोनोग्राफ। अपेंडिसिस क्या होते हैं, डेट इज़ मैंने आपको बताया नॉट अ पार्ट ऑफ टेस्ट इट सेल्फ बट सप्लीमेंट्री मटीरियल। फॉर एग्जाम्पल टैबलेट ट्रायबिलिटी के लिए किस तरह का उसका अपरेटस होना चाहिए, किस तरह जो है वो आपने टेस्ट परफॉर्म करना है, ये होता है हमारे पास सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल अपेंडिसेस में। सिमिलरली एक और अपेंडिसेस है यूनिफॉर्मिटी चेक करने के लिए जिसके अंदर आप देखें कि ये दिस इज नॉट अ टेस्ट बट इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द टेस्ट। एंड फॉर एग्जांपल ये ब्रिटिश फार्माकोपिया में एस्प्रिन ड्रग का मोनोग्राफ है जिसके अंदर उसके एक्शन, यूजेस, उसकी कौन कौन सी प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं, डेफिनेशन, कंटेंट, सॉलिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, टेस्ट्स, डिफरेंट टेस्ट्स, लॉस ऑन ड्राइंग और ऐसे और इम्प्योरिटीज़ वगैरह दी गई हैं। ये सारा होता है डिफरेंस मोनोग्राफ में और अपेंडिसिस में जितने भी आपने टेस्ट परफॉर्म करने हैं उसके अपरेटस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। फार्माकोपियाज के टाइप्स क्या क्या हैं, ब्राजीलियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉर्टेक्स ये अब रिटायर हो चुका है अब मजीद नहीं आता, चाइनीज फार्माकोपिया, शीजक फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच, जर्मन, पाकिस्तानी एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। मेडिसिन के अंदर या पाकिस्तान के अंदर जो दो हम लोग ज़्यादातर फॉलो करते हैं वो ब्रिटिश फार्माकोपिया और हमारे पास यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। फार्माकोपियाज की हिस्ट्री की बात करें तो फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश इन कॉलेज ऑफ फ्लोरेंस In 1498, it consists of work that was done by Nicholas. In 19th century, different cities ne apne, different countries ne apne pharmacopoeias develop karaye. Like London Pharmacopoeia
पब्लिश किया गया 1618 में बाय कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड इट कंटेन्स मोर देन 2000 ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस। सिमिलरली अकॉर्डिंग टू द मेडिकल एक्ट ऑफ 1858 लंदन फार्माकोपिया, डुबलिन फार्माकोपिया दो चार को मिक्स करके एक ब्रिटिश फार्माकोपिया बना दिया गया। उसके बाद एक फार्माकोपिया कमीशन इस्टेब्लिश किया गया 1914 में टू मेक अमेंडमेंट्स इन द ऑफिशियल बुक्स। कमीशन का काम ये होता है कि आपने इन्होंने पूरा साल में देखना होता है कौन कौन सी नई ड्रग्स आ रही हैं, पुरानी जिनका इस्तेमाल नहीं है उनको फार्माकोपिया से निकालना है, कुछ नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कराने हैं, कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी है। सारा काम एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट का होता है जिनको हम लोग फार्माकोपियल कमीशन बोलते हैं। इसी तरह फॉर्मुलरीज क्या होती हैं, दीज आर द सप्लीमेंट्री टू फार्माकोपियाज, दे कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स एंड प्रिपरेशन, इंक्लूजन इन फार्माकोपिया मस्ट बी सॉर्ट एल्सवेयर, कहीं ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन लगानी है तो उसके साथ फार्मुलरीज आती हैं। डिफरेंट फार्मुलरीज डिफरेंट कंट्रीज या डिफरेंट रीजन्स की अपनी होती हैं। फॉर्मुलरीज में बेसिकली बताया जाता है कि उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर किस किस्म की ड्रग्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह जो बहुत सारी बुक्स हैं जो कि टाइम टू टाइम अपीयर हुई और उनमें से बहुत सी इंपॉर्टेंट हैं ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स और एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। जो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कॉडेक्स है डेट वॉज पब्लिश बाय फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, इसका जो पहला एडिशन आया था 1907 में आया था, सेकेंड एडिशन 1911 में आया था, उसके बाद 1915 में, 1922 और 1923 में। और इसी तरह जो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया है इट वॉज पब्लिश इन 1883 इन 1993 आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स ऑनर द राइट्स ऑफ बुक्स वर परचेज बाय द सोसाइटी। सिमिलरली इंटरनेशनल फार्माकोपिया इन 1951 डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश अ फार्माकोपिया अ कंपाइलेशन इन टू वॉल्यूम्स। It consists of standards which could serve as the establishment of international standards. Iske second edition 1963 or third edition that comprises of five volumes came in 1979. European Pharmacopoeia in 1964 a council of Europe was established and that included seven countries whose council of ministers adopted a resolution to establish European Pharmacopoeia. The seven countries were Belgium, France, Germany, Italy, Luxembourg, and Netherlands, and UK. And later, Switzerland was accepted as eighth member. Similarly, these countries signed a document by which this pharmacopoeia was made legal and binding for all. First volume was published in 1969, second 1971, and third volume was published in 1975. Talking about Pakistan Pharmacopoeia, the government of Pakistan constituted Pakistan Pharmacopoeia under Pakistan Pharmacopoeial Commission or Committee in 1964, dated on August 8th. The tenure of the office member was 5 years. Unfortunately, 1964 ke baad Pakistan mein kisi ne bhi isko update nahi kiya. इसके अंदर कौन कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं, इट कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग्स, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन एक्सेप्ट स्टोरेज एंड यूनिफॉर्मिटी, इट कंसिस्ट ऑफ एडिड सब्सटेंसेस, एडिड सब्सटेंसेस वो होते हैं जो कि हम लोग ड्रग्स के अंदर ऐड करते हैं फॉर देयर स्टेबिलिटी एंड डिफरेंट रीजंस, अपरेटसेस, प्रोसीजर्स, बायोलॉजिकल एसेस एंड प्रिजर्वेशंस। फर्स्ट एडिशन वॉज पब्लिश इन 1973, फर्स्ट एंड लास्ट टिल येट। सिमिलरली ब्रिटिश फार्माकोपिया of United Kingdom, it is an annually published collection of quality standards for UK medicinal substances. Pharmacopoeial Commission, inka kaam hai, it includes pharmacopoeial secretaries working in collaboration with BP Laboratory, BP Commission and its expert advisory groups and panels. Talking about its history, it was first published in 1864 and was one of the attempts to harmonize a pharmaceutical standard and was titled Pharmacopoeia Britannica. A commission was appointed by a general medicine council for producing British pharmacopoeia on national basis. In 1968, a medicine act was established, the legal status of British pharmacopoeia commission and made it responsible for preparing new editions of British pharmacopoeia. Its 2008 edition consists of 300 monographs for drug substances,
2011 एडिशन कंसिस्ट ऑफ 3375 मोनोग्राफ्स, प्रिपरेशंस, आर्टिकल्स यूज्ड इन प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. द ब्रिटिश फार्माकोपिया 2011 कंप्राइजेस सिक्स वॉल्यूम्स. अमंग देम वॉल्यूम वन एंड टू कंसिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस. वॉल्यूम थ्री कंसिस्ट ऑफ फार्मुलेटेड प्रिपरेशंस लाइक जनरल एंड स्पेसिफिक मोनोग्राफ्स. वॉल्यूम फोर कंसिस्ट ऑफ हर्बल, होम्योपैथिक, सर्जिकल, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. वॉल्यूम फाइव कंसिस्ट ऑफ आई आर रेफरेंसेज, स्पेक्ट्रम, अपेंडिसेस, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स एंड इंडेक्स. एंड वॉल्यूम सिक्स इज डी पी यू वेटरनरी. इट्स इलेक्ट्रॉनिक वर्जन इज ऑल्सो अवेलेबल एंड एप्लीकेशंस आर इट कंसिस्ट जनरल नोटिसेस, जनरल मोनोग्राफ, स्पेसिफिक मोनोग्राफ, आई आर रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, अपेंडिसेस, सप्लीमेंट्री चैप्टर्स एंड कॉम्प्रीहेंसिव इंडेक्सेस. United States Pharmacopoeia is for United States and is published annually by United States Pharmacopoeia Commission. It was published as a combinal volume with National Formulary as USPNF. आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 2019 में जो USPNF का एडिशन आया था, डेट वॉज USP 42 एंड NF 37. फार्मूलरी और फार्माकोपिया में थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ. इसका जो पहला एडिशन था, इट वॉज पब्लिश इन 1820. इट कंटेन थेरापूटिक प्रोडक्ट्स, देयर इंफॉर्मेशन एंड रेसिपीज ऑफ देयर प्रिपरेशन. USP 30 NF 25, इट कंटेन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग, डाइटरी सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स डेट आर यूज इन डोजेज फॉर्म्स. USP 31 NF 26 कंटेन्स 4240 मोनोग्राफ्स, more than 220 general tests and essays. It consists three volumes. Volume 1 contains preface, admissions, notices, general chapter, reagents, indicator, test paper, solution, reference tablets, supplements, microbiological tests, chemical tests and essays. Volume 2 consists of guide to general chapters like monograph A to L and index, and volume 3 consists of monograph M to Z and index. USP 39 NF 34 is the current edition of USPNF. And drug compendia, ये definition है एक drug compendia. जितनी भी official books हैं उनको हम लोग drug compendia बोलते हैं. The books containing the standards of drugs and related substance are known as pharmacopoeia. Together all these books are known as drug pharmacopoeia, drug compendia. Now difference between pharmacopoeia and formulary. Pharmacopoeia is an official book that contain direction for the use of drugs and their quality control standards. Pharmacopoeia के अंदर जो भी चीज़ लिखी होती है उसके अंदर तब्दीली की गुंजाइश नहीं होती, वो एज इट इज ही फॉलो करनी होती है. फार्मूलरी के अंदर डिटेल होती है मेडिसन्स की, लाइक उनकी इंडिकेशन, उनकी डोजेज वगैरह. इट डज नॉट प्रोवाइड क्वालिटी कंट्रोल मेथड्स. इन्फॉर्मेशन फार्माकोपिया के अंदर इंडिकेशन, एडवर्स रिएक्शन और कंट्राइंडिकेशन नहीं लिखे होते. फार्मूलरी में ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं. टेस्ट जो फार्माकोपिया के अंदर जो टेस्ट इंक्लूड होते हैं वो सारे होते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट. फार्मूलरी के अंदर टेस्ट इन्वॉल्व नहीं होते. इसी तरह जो क्वालिटी है, इट इज़ यूज जो फार्माकोपिया है, इट इज़ यूज फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग. बेसिकली फॉर्मली हर रीजन की अपनी होती है. पंजाब की फॉर्मुलरी अपनी होगी, इसी तरह जो एक हॉस्पिटल है वो पंजाब की फॉर्मुलरी या किसी और जगह की फॉर्मुलरी लेके वो अपने हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी अलग बना सकते हैं. हाउएवर दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे. थैंक यू सो मच. सो इफ़ यू नीड दिस लेक्चर यू कैन टेक इट फ्रॉम द ऑफिशियल पेज ऑफ फार्मा हब, और यू कैन डायरेक्टली ई मेल मी to send you this lecture, and I'll make sure that your class have this.